दोस्तों हिबिस्कस का ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये कटिंग से रेडी किया था अभी कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले शायद आप लोगों के साथ। बहुत सारे हिबिस्कस के प्लांट मैंने ट्रांसप्लांट करना बताया था, उसका वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये प्लांट करीब 5-6 महीने से शायद हो चुके होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास मिट्टी भी नहीं है या जिन लोगों के पास में खाद भी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट से मैंने ये खाद रेडी किया है और इसमें मैं अपना हिबिस्कस का प्लांट लगाऊंगी और आप लोगों को इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी, क्योंकि काफी लोग बोलेंगे इस तरह से प्लांट लगाने से प्लांट में फंगस लगेगा, कीड़े लगेंगे, मर जाएंगे, बट नहीं ऐसा होता है। आपका ये जो मैंने जो ये खाद बनाया है वो किस तरह से बनाया है वो मैं आपको एक बार बोल देती हूँ, क्योंकि मैंने इसका वीडियो शूट नहीं किया है। मैं एक लेयर मिट्टी डालती हूँ, उसके ऊपर मेरा किचन का जो सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं वो डाल देती हूँ, काफी मोटी लेयर रहती है 2-3 इंच जितना, उसके ऊपर फिर से थोड़ी सी हल्की मिट्टी की लेयर रहती है, फिर ऊपर से मतलब सब्जी के छिलकों रहते हैं, फिर ऐसे मतलब लेयर बाय लेयर आप करते रहेगा। वैसे मेरा किचन वेस्ट का कंपोस्ट का बनाया हुआ है वीडियो, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको चाहिए बस नीम की खली, नीम की खली आप करीब करीब 2 मुट्ठी जितना डालकर इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, ताकि अगर इंसेक्ट लगे भी तो नीम की खली के कारण वो नहीं लग पाएगी। और ये जो खाद है इसके अंदर आप सिर्फ मच्योर जो प्लांट है उनको लगाइएगा, मतलब आपका प्लांट 5 महीने से ज्यादा हो चुका है, अच्छी ग्रोथ है, फ्लावरिंग स्टेज पर है, तो आप इसमें लगा दीजिए, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि आप छोटे प्लांट को इसमें नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक भी पूरी तरह से कंपोस्ट जो है, आप चाहे तो पूरा कंपोस्ट रेडी करके भी कर सकते हैं। ये जो मिट्टी रेडी हुई है नीचे जो मेरा कंपोस्ट का, ये भी करीब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, उसके बाद मैं इसमें ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। बिल्कुल न्यू सब्जी के छिलकों के अंदर नहीं करना है आपको, बस इतना आप कर दीजिए, प्लांट को लगा दीजिए नीम की खली डालकर। और बस आपके पास अगर मिट्टी थोड़ी बहुत भी है आपके पास कहीं पर भी, तो आप थोड़ा सा ऊपर से एक लेयर जितना दे दीजिए, ताकि ये टाइट से बैठ जाए प्लांट और ऊपर से कोई फंगस, क्योंकि आपके अंदर मिट्टी की जो भी खाद वगैरह है वो ऊपर से थोड़ा सा अगर आप कवर कर देंगे तो आपके फंगस भी नहीं लगता है और ना ही आपके प्लांट में इंसेक्ट लगेगा। तो बस इस तरह से आपको ढक देना है थोड़ा सा, और आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपका जो प्लांट है बहुत बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और थोड़ा सा बस अपने प्लांट में पिंचिंग कर दीजिए, ये प्लांट थोड़ा सा लंबा है तो ऊपर से मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो नीचे से मैं आपको दिखा दूं, मतलब थोड़ा हल्का हल्का सा पिंचिंग कर दीजिए, क्योंकि छोटा प्लांट है बट ये काफी लंबा में हो गया था, तो मैंने इसकी ब्रांचेस भी नहीं कट किया है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी हल्की पिंचिंग कर दीजिए, और मेरे यहाँ लगभग जो है काफी बारिश वगैरह हो रही है तो मैंने इसमें पानी नहीं दिया है। अगर आपके वहाँ बारिश नहीं हो रही है तो आप जरूर से पानी दीजिएगा, पर पिंचिंग करना मत भूलिएगा, पिंचिंग करने से आपका प्लांट जो है घना बनेगा, बुशी बनेगा। तो इस तरह से मैंने आपको देख सकते हैं, मतलब प्लांट को सेट करने के बाद में मैंने थोड़ा सा इसको लंबाई में ले लिया था। तो ये वीडियो मैंने उन फ्रेंड्स के लिए बनाया है जिनके पास कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि मैं मिट्टी जो रेडी करती हूँ उसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिशंस डालती हूँ और आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। लेकिन जिनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि काफी ज्यादा कमेंट में रहता है कि हमारे पास बोन मील नहीं है, हॉर्न मील नहीं है, सरसों की खली भी यहाँ नहीं मिलती है, तो उनके लिए ये वीडियो है, ये कम्प्लीट वीडियो है। और आप इस तरह से अपने मेच्योर प्लांट को रिपोर्टिंग कीजिए, 1 महीने बाद आप देखेंगे आपका प्लांट काफी अच्छे से फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने काफी बार जो है, मेरे पास बहुत से प्लांट है, तो हर प्लांट को जो है आप लोगों के साथ जो शेयर करती हूँ वो नेचुरली बहुत अच्छी तरीके से करती हूँ, ताकि जो भी व्यूवर्स है, बिगनर्स है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन हम काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं साथ में, तो नेचुरल तरीके से इस तरह से भी काफी बार प्लांट लगा देते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है ऐसे भी प्लांट की। तो अब जरूर से आप भी, अगर आपके पास कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है जब, तो नीम की खली जरूर डालिएगा। मैं पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ, क्योंकि नीम की खली आपके प्लांट में इंसेक्ट से भी बचाएगा और वो नेचुरल तरीके से फंगस भी दूर करता है। तो आप इस तरह से अगर मतलब प्लांट लगाते हैं हिबिस्कस का, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप एक बार ट्राई करके देखिए। लेकिन वो जो कंपोस्ट है करीब 1 महीना पुराना होना चाहिए, मतलब आपने जब लेयरिंग स्टार्ट किया उस टाइम से, तो आपका क्या होगा ना, वो अच्छे से जो कीड़े वगैरह उसमें लगे भी होंगे ना, तो वो खत्म हो जाते हैं। 1 महीना बहुत लॉन्ग टाइम है, कंपोस्ट रेडी भी हो जाता है।
तो बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। और इससे फ्लावर भी काफी अच्छे से आ जाता है आपके प्लांट में। अलग से न्यूट्रिशंस आप 1 महीने बाद दीजिएगा, जैसा हम लोग प्रोसेस करते हैं 30 दिन बाद में खाद वगैरह देना, तो बस वही प्रोसेस में ही करना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से आप लाइक और शेयर कीजिए। और अगर गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के वीडियोज आप लोगों के साथ लेकर आती हूँ और इन वीडियोज को बनाने में सच में काफी ज्यादा मेहनत होती है हमारी, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर लीजिए। और जो भी आप लोगों के प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप अपने प्लांट के जो है डिटेल जरूर दीजिए, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि फ्लावर नहीं आ रहे इस प्लांट में, कोई भी प्लांट आपका, लेकिन आपने लास्ट क्या खाद दिया था, आपका प्लांट कब रिपोर्टिंग हुआ था, आपके प्लांट कितने हाइट का है, कितने इंच के गमले में लगा है, ये जरूर से डिटेल्स में लिखिए। मतलब आप अपने जब कमेंट लिखते हैं तब उसमें लिख के दीजिए मुझे, ताकि मैं आपके प्लांट का अच्छे से प्रॉब्लम का आंसर दे पाऊँ, ताकि आपका प्लांट भी इसी तरीके से फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।